सर इसमें फॉर माय नॉलेज सभी के जी कितना टेम्परेचर अगर आए 39 आए तो उसको... बेसिकली जी हमारा जो है वो अगर सेंटीग्रेड के अंदर देखते हैं 39.2 मंथ माना जाता है, और अगर सॉरी उसमें खराब फॉरेनहाइट में देखा जाता है तो 104 के आसपास हाई फीवर तीसरा जो है वो कुछ मास्क वगैरह भी जो है वो अपने यहाँ पे रखें, जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उनको जो है मास्क दे, सैनिटाइजर्स भी जो है ये क्योंकि छोटे हैं थोड़ी बड़ी वाली जो है सैनिटाइजर्स ले लें ताकि वो आराम से जो है जो भी लोग जा रहे हैं अगर आपको हाथ धुलवाने और करवाने तो वो भी धुलवा दें, और खुद का भी ध्यान रखें, जो लोग लगे हुए हैं वो अपना खुद का ध्यान पहले रखें। ठीक है ठीक है सुधांशु, सारे सारा नॉलेज जो है आपके ऐसे सुधांशु एक मौली का जो है वो यार हम तो साथ लेके हम जो है काम कर रहे हैं, कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं कि किसी भी हम रूल्स को उसका वायलेशन करें, ठीक है हम जिम्मेवार आते हैं ऐसी बात। थैंक यू मैडम। एक्चुअली मैं इंडिया न्यूज चैनल आसमान संदेश हूँ, मिशन अभी अभी इंडिया न्यूज चैनल आसपास से मैं सुनील शर्मा, हम यहाँ पे सेक्टर 27 में खड़े हैं, यहाँ पे जितना भी रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन है उन्होंने अपने सेक्टर को सील कर दिया, एक यादव जो एमसी के कमिश्नर हमारे साथ हैं हम उनसे बात करते हैं। उनके लिए आपका क्या मैसेज है जैसे इन्होंने सील किया है और भी कई सेक्टर में सील हो रहे हैं, और लोगों के लिए क्या मैसेज जिन्होंने अभी तक सील नहीं किया अपने अपने सेक्टर? देखिए जी कोरोना से लड़ने का एकमात्र तरीका है कि हम अपने घरों में रहें और जितना कम से कम मूवमेंट कर सकते हैं उतना कम से कम मूवमेंट, और दूसरा अगर मूवमेंट कोई हो रहा है और गलत तरीके से कोई मूवमेंट हो रहा है तो उसको रोकें। तो मुझे खुशी है कि एडवाइज़र साहब ने 40 सेक्टर के अंदर ये मूवमेंट शुरू की थी और उसके बाद में उन्होंने अपील की हमारे म्यूनसिपल काउंसिलर साहबान को और SSP मैडम को और DC साहब को भी, उन्होंने कहा कि जी आप देखिए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से बात कर लीजिए, जो नॉमिनेटेड और सॉरी इलेक्टेड काउंसलर्स हैं उनसे बात कर लीजिए, और जिन जिन एरियाज़ के अंदर लोग अपने यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री कर सकते हैं वहाँ पे करने की कोशिश की। मुझे खुशी है कि आज 27 सेक्टर के अंदर देवेंद्र बाबला जी जो कि यहाँ के काउंसलर हैं उन्होंने और पुलिस की तरफ से और प्रशासन की तरफ से ऑफिसर्स ने मिलकर जो है वो यहाँ पर एंट्री को रिस्ट्रिक्ट किया है, और इसी तरह से कुछ और सेक्टर्स भी जो है इसी तरह की प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छी बात है, एंट्रीज जो है वो रिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, लेकिन मैं इसके साथ ये भी बताना चाहूँगा कि ये सब कुछ जो है वो हम लोग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि लोग अपने अपने घरों के अंदर सुरक्षित रहें, तो मेरी लोगों से ज़्यादा अपील ये रहेगी कि वो अपने घरों में रहकर अपनी ड्यूटी को निभाएं। आपका घर में रहना ही बहुत बड़ी ड्यूटी है, आप प्लीज़ उसको पूरा करें और इस कोरोना से हम लोग सारे मिलके इसी तरह से रखते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मनोज सर, एक ये जे दुकान में आप चंडीगढ़ पुलिस के मैडम SSP जो नीलांबरी जगदले जी हमारे साथ है, हम इनसे भी मैसेज करते हैं कि यानी कि जो लोगों ने अभी तक चंडीगढ़ को सील नहीं किया अपने अपने सेक्टर में रेजिडेंस वेलफेयर ने, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? यहाँ पे जी एडवाइज़र साहब हमारे उन्होंने इनोग्रेट ये किया था सबसे पहले प्रोजेक्ट, और हमारे MC कमिश्नर साहब DC साहब इन सब के जो है हमने ज्वाइंट अपने एफर्ट्स के साथ और ये सारे काउंसलर साहिबान हैं उनके एफर्ट्स की वजह से, या सारे वॉलेंटियर्स यहाँ पे आप देख रहे हैं काफ़ी आए हुए हैं, तो उनकी मदद से जो है ये यहाँ पे एक बहुत अच्छा जिसको हम कह सकते हैं कि कम्युनिटी पुलिसिंग का सबसे बढ़िया एग्जांपल आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इतना यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल और काम करने के लिए हमारे पास पुलिस फोर्स लिमिटेड होती है, तो जहाँ पे पुलिस फोर्स नहीं होती है वहाँ पे रेसिडेंट जो है यहाँ फिशिंग कर रहे हैं और वो खुद ही अपना ध्यान रख रहे हैं, और आज मेरे ख्याल से पूरे देश में
ये एक बहुत अच्छा मैसेज ये दे रहे हैं, मिसाल दे रहे हैं कि रेसिडेंट्स खुद ही जो है वो पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर ये कोरोना महामारी को रोकने के लिए काम कर रही है और वो खुद सड़कों पर यहाँ पे उतरे हुए हैं। बहुत बढ़िया बात है। मीडिया वाले इतने कवर कर रहे हैं, मीडिया वाले हर एक जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे भीड़ भड़कता बहुत ज्यादा होता है, मीडिया के लिए क्या मैसेज है, इनके क्या इंस्ट्रक्शन? मैं आप सारे मीडिया के मेरे भाइयों को भी यही कहना चाहूंगी कि आप हर जगह जा रहे हो, आप खुद अपना भी ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो। आज मेडिकल स्क्रीनिंग का कैंप भी जो है यहाँ पे मीडिया के भाइयों के लिए लगाया हुआ है, उसका पूरा पूरा लाभ लो और अगर और हर तरीके की जो प्रिकॉशन है ज़रूर लो, आप मास्क ज़रूर पहनो, हाथों में ग्लव्स पहनो, सैनिटाइजर रखो, अपने आप को सुरक्षित रखो और अगर थोड़ा सा भी लगता है कहीं पे कि कोई बीमार हो रहा है, खराब हो रही है तबीयत, तो इमीडिएटली मेडिकल हेल्प लो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया न्यूज़ चैनल और आज अखबार से मैं सुनील शर्मा, हमारे साथ सेक्टर 27 के जो काउंसलर हैं दविंदर सिंह बबला जी हमारे साथ हैं। इन्होंने आज चंडीगढ़ के सेक्टर 27 को पूरा अपने एरिया को सील किया है, रेजिडेंस वेलफेयर के एसोसिएशन के कई मेंबर इनके साथ हैं। बबला जी आपका क्या कहना है लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक अपने सेक्टर्स को सील नहीं किया RWA वगैरह ने, तो उनके लिए क्या मैसेज? मेरे हिसाब से जैसे एडवाइजर साहब ने सभी काउंसलर साहबान को अपना कहा है कि अपने अपने एरिया को सील करिए, ये एरिया सील इसलिए नहीं हो रहा, ये इसलिए हो रहा है कि जो कोरोना फैला हुआ है वो कहीं उस सेक्टर के अंदर ना आ जाए, जो बाहर से वेंडर लोग आते हैं वो कहां कहां से घूम के आते हैं, कहीं वो ना यहां बीमारी फैला जाए। अगर सील हो जाएगा, प्रॉपर चेकिंग हो जाएगी उनकी, चेकिंग के साथ उनके अगर कहीं ग्लव नहीं पहना, मास्क नहीं पहना, वो पहनाएंगे और इससे बीमारी जो है सेक्टर के अंदर नहीं जाएगी। मैं सभी अपने काउंसलर साहबान से मतलब मैं गुजारिश करता हूं कि वो भी अपने अपने एरिया के अंदर इस तरीके से सील करें, पर लोगों को इस तरीके से सील करें कि लोगों को कोई असुविधा ना हो, वो प्रॉपर जो है अपना उनका काम हो, हर चीज़ उनके पास पहुंचे। धन्यवाद। बोले जो 30 सेक्टर के भी काउंसलर हैं, वो 30 सेक्टर अभी हम कवर करने गए थे, वहाँ पर लोगों का ये कहना है कि जो सब्जी वाली बसेज वगैरह आ रही है उनके रेट काफ़ी महंगे हैं और जो रेडी आ रही है, रेडी पे आ रहे जो सब्जी बेचने वाले उनके रेट से बस के रेट में बहुत ज़्यादा फर्क है, और लेकिन रेडी वाले वहाँ तक पहुँचते नहीं हैं, हम वहीं से आए हैं, तो उनके लिए कोई सुविधा आप ऐसे हैं सुनील जी कि यहाँ लोग जो हैं इस सेक्टर की उल्टा कहते हैं कि जो बस का रेट है वो सस्ता है, जो रेडी वाले हैं वो अपनी मनमर्जी से रेट लगाते हैं, क्योंकि बसों के ऊपर हमारे कमिश्नर साहब एक रोज़ लिस्ट निकालते हैं जो मार्केट कमेटी से आती है, रेट अप्रूव होके उसी रेट से ज़्यादा कोई भी बस वाला जो है वो वहाँ से सामान ज़्यादा रेट से नहीं बेच सकता। रेडी के ऊपर कोई रेट नहीं होते, वो देखते हैं कि किस हिसाब से देना है, किसी को 50 रुपये दे रहे हैं, किसी को 80 रुपये दे रहे हैं, पर हम रोज़ जो लिस्ट है अपने व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाए हुए हैं उसके अंदर डालते हैं कि इससे ज़्यादा किसी को भी पैसा नहीं देना। सर एक और प्रॉब्लम अभी चीज में थे, हम जहाँ पे सब्जी बेचने वाला रेडी वाला आया लेकिन बाहर से उसको बैरिकेडिंग किया हुआ है, सब्जी वाला बाहर है, रेजिडेंस वेलफेयर अंदर है, लेकिन जिनके घर के बाहर के गौ लेने वाला लगाई हुई है लेकिन ऊपर वाले रोला डाले कि यहाँ से भागो, यहाँ पे नहीं खड़े होना, एक ही मोहल्ले के लोग हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? सर ऐसे है कि अब सेक्टर 30 के अंदर काफ़ी केस आ गए हैं, हर आदमी हर इंसान वहाँ का दहशत के अंदर है कि कहीं इसको तो नहीं बीमारी हुई हुई। मैं देख रहा था कि एक बच्चा जो है अपने बाप से लिपटने की कोशिश कर रहा है, वो बाप उसको दूर धक्के दे रहा है, ये मतलब आज ऐसा हालात हो गए हैं कि अपना अपना नहीं रहा, सब पराए हो गए हैं। ये बीमारी एक ऐसी आ गई है, हर अंदर दहशत फैली हुई है कि अगर आप भी साथ में अगर किसी को पता चल जाएगी मेरे को जो है आप सब लोग भाग जाओगे, इसलिए दहशत करके है। एक आधा दिन है, हम सभी लोगों को वहाँ पे अवेयरनेस करा रहे हैं कि सारी टीम मेडिकल की सब लोग चेक कर रहे हैं और वहाँ पे प्रॉपर चेकिंग भी चल रही है। एक आधे दिन के अंदर जैसे अभी ATM नहीं था, लोगों के पास पैसे नहीं थे, मुझे पता चला वहाँ ATM भेजा, दूध की कमी थी, सब्जी की कमी थी, राशन की कमी थी, अब वहाँ ऐसा नहीं है, सभी चीज़ पहुँच रही है। फिर भी कोई कमी रहेगी है वो हमें व्हाट्सएप पर डालते हैं, हम उस कमी को SDM साहब को बताते हैं, SDM साहब उसको तुरंत जो है वहाँ पे पूरा करते हैं। बबला साहब एक और बात है, जिस तरह से जो रेडी फड़ी वाले आते हैं, ये हमारे डॉक्टर साहब हैं जी, अपने आयुर्वेदिक के होम्योपैथी के सबसे मशहूर डॉक्टर हैं हमारे। डॉक्टर साहब आपका क्या कहना है, ये जो इधर से सील किया गया क्या मैसेज आपके लिए और लोगों के लिए? पॉजिटिव मैसेज है, बहुत ही सकारात्मक एक सोल्यूशन है जिससे कि हम प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन ही इसका इलाज है और कोई इलाज नहीं।